नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो चलिए, योज्य प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम और व्युत क्रम, इनमें हम अंतर समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले योज्य प्रतिलोम। योज्य का मतलब होता है जोड़ना या प्लस करना, और प्रतिलोम का मतलब होता है उसकी कॉपी या उसकी एक इमेज, उल्टी इमेज। तो जैसे मेरे पास है a बटा b, अब मुझे इसमें जोड़ना क्या है, इसकी कॉपी। इसमें क्या जोड़ना है मुझे, इसकी कॉपी। तो a बटा b की जो कॉपी होगी वो क्या होगी, माइनस का a बटा b। जब मैं इसमें इसको जोड़ूंगा कैसे, a प्लस b, a अपॉन में b प्लस फिर उसके बाद माइनस ए बाय बी बराबर जीरो। तो योज्य प्रतिलोम का जो फाइनल या जो अंतिम परिणाम होता है वो शून्य होता है हमेशा, या योज्य प्रतिलोम का जो अंतिम परिणाम, अंतिम रिजल्ट जो आएगा वो शून्य ही आएगा। और इसी तरह से होता है हमारा गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पर हमें गुणा करनी है उसकी इमेज की, उसकी कॉपी की। तो देखिए, a बटा b, इसकी हमें इमेज की कॉपी करनी है उल्टी, तो ये हो जाएगा b बटा a बराबर 1। तो गुणात्मक प्रतिलोम का जो अंतिम हल होगा, जो अंतिम परिणाम होगा, वो हमेशा 1 होगा। तो योज्य प्रतिलोम में जो उत्तर आता है, जो हल आता है, जो परिणाम होता है, वो शून्य होता है, जबकि गुणात्मक प्रतिलोम का जो अंतिम परिणाम होता है वो 1 होता है। अब देखिए इसके व्युत क्रम। व्युत क्रम में क्या होता है, इसमें हमें सिर्फ उल्टा लिखना होता है। a बाय b का व्युत क्रम क्या होगा, b अपॉन में a। इसमें हमें 0 या 1 कुछ नहीं देखना, बस हमें बस उसको उल्टा करना है, उसका व्युत क्रम करना है। लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में रिजल्ट 1 होता है, जबकि योज्य प्रतिलोम में जो रिजल्ट होता है वो शून्य होता है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने लिखा 2/3, अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, अर्थात 2/3 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे 0 मिल जाए, क्या जोड़ूं कि 0 मिल जाए। तो प्लस में इसमें मैं क्या जोड़ दूं, -2/3, तो मुझे क्या बन जाएगा, 0। उसी तरह से 2/3 में मैं क्या गुणा करूं कि मेरे पास क्या आ जाए, 1, तो मैं क्या गुणा कर दूंगा, 3/2। और एक और एग्जांपल, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने लिया 1/9, अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि जो रिजल्ट आए, जो परिणाम आए वो शून्य आए, तो क्या जोड़ूंगा इसमें, -1/9। उसी प्रकार से गुणात्मक प्रतिलोम में देखते हैं, तो 1/9 में मैं क्या गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो 9/1। देखिए इसको उल्टा कर दिया, और इसका व्युत क्रम भी क्या होगा, 1/9 का 9/1। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली हमेशा यह है कि अब मान लीजिए मुझे दे रखा है 0, अब 0 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 आ जाए, तो देखिए 0 जोड़ दिया, ठीक, ओके। अब यहाँ पर भी 0 में मैं क्या गुणा करूं कि 1 आ जाए, तो क्या ये कंडीशन संभव है, तो ये कंडीशन संभव नहीं है, तो 0 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं हो सकता। उसी तरह से इसका व्युत क्रम भी नहीं हो सकता। मान लीजिए 0, तो 0 का क्या बनेगा, ये, लेकिन ये संभव नहीं है, इसलिए ये। तो शून्य का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत क्रम नहीं होता है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।